पैसे कमा लिए, तेरे में दम होता तो कमा के दिखा देता ना, गलती मेरी नहीं थी, मैंने प्लेटफॉर्म पे भेज दिया था। आप क्या करना चाहते हो वो डिपेंड करेगा कि ये बिजनेस आपको क्या देगा। आपको चाहिए महीने का 1000 रुपए, ये बिजनेस आपको महीने का 1000 रुपए देगा। आपको दिन का 1,00,000 रुपए चाहिए, ये बिजनेस दिन का 1,00,000 रुपए देगा। सोच आपकी कैसी है उसके हिसाब से ये बिजनेस आपको देगा। आज के बाद ये तो लाइफ में क्या करना, सोच आपकी बिजनेस देने को तैयार है, आपकी सोच इस बिजनेस को लेकर क्या होगी वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इसके अंदर कितना कमाओगे। क्योंकि आने वाला हर आदमी महिला स्किल के अंदर सक्सेसफुल नहीं होता, आने वाला हर आदमी इसके अंदर करोड़पति नहीं बनता। बनता वही है जिसके अंदर बनने की चाह होती है और जो बन के दिखाना चाहता है उसके लिए इंडस्ट्री बनी। तो आप लोगों में दम है? देखिए एक बात और समझिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे इस हॉल के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब के सब इस बिजनेस में जबरदस्ती आए, आए कि नहीं आए? सबको धक्का मार के इस बिजनेस में लाया गया, इमोशनल ब्लैकमेल करके इस बिजनेस में डाला गया। करने वाले हमारे ही लोग हैं, जान पहचान के नातेदार रिश्तेदार दोस्त लोग, जो हमको इस बिजनेस में जबरदस्ती डाला गया है। इस बिजनेस में आप अकेले जबरदस्ती नहीं आए, इसी बिजनेस के अंदर मिजानूर भी जबरदस्ती आया है और इसी बिजनेस के अंदर मैं भी जबरदस्ती आया हूं। तो बात वो नहीं है कि आप किस तरीके से इस बिजनेस में, हर एक आदमी इस बिजनेस में जबरदस्ती आता है। अब आप मेरे को बताइए जो आदमी जबरदस्ती इस बिजनेस में आता है क्या वो करोड़पति बनने के लिए जबरदस्ती आया है क्या? वो जबरदस्ती इसके लिए आया क्योंकि उसको डाला गया है और उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, आज जो भी मैंने 5-10-15 हजार रुपए दिए, जितने दिए उतने वापिस भी आ गए तो मेरा तो काम हो चुका। यही सब सोच लेके आते हैं इस बिजनेस में और यही सोच लेके मिजानूर भी आया था, यही सोच लेके सुरंजन दास जी भी आए थे और वही सोच लेके मैं भी आया था। तो आप आए किसी भी सोच से, पर जिस दिन आपकी सोच इस बिजनेस के लिए चेंज हो जाएगी ना, जिस दिन आपका काम करने का तरीका और सोच इस बिजनेस के लिए अलग हो जाएगी, उस दिन से आप करोड़पति बनने के रास्ते पे ये बिजनेस में चल पड़ोगे। तो आप आए किसी भी हिसाब से, पर आज के बाद कोरोना को देखते हुए, हालातों को देखते हुए, आप कल से अगर इसको नेसेसिटी समझ के करेंगे, जरूरत समझ के इस बिजनेस को करेंगे, तो आने वाले 2 से 3 साल में आप भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल लोगों की गिनती में आओगे और सक्सेसफुल इस बिजनेस में नहीं अपने मोहल्ले में सक्सेसफुल लोगों में कहलवाई जाओगे। जो आज आप बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे हो वही मोहल्ले में वही शहर में हो सकता है आपका भी कहीं नाम और लोग बोले होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए जैसे आज मिजानूर रहमान है। आप लोगों में वो दम है? आपके दिमाग में थोड़ा सा भी बत्ती जल रही है कि